आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये मेरे फेस को क्या हो गया, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो उससे पहले आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हो? तो आप सब ठीक ही होंगे, तो आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। तो एक्चुअली मैंने ये फेस पे लगा रखा है मास्क लगा रखा है। ये मैंने लगाया है हल्दी और दही का। तो थोड़ा सा मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा ऑयली था ना, तो इसलिए थोड़ा सा ड्राई हो गया था, और थोड़ा सा मेरा फेस टैनिंग भी हो गया था। तो किसी ने मुझे बताया था कि ये लगा लो तो इससे ठीक हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो मैंने लगा लिया। तो अब ये मेरा जो फेस मास्क है ये सूख चुका है, ये हल्का हल्का सा रह गया है। तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी है, तो जिसकी वजह से खिंचाव हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा स्माइल भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि खिंच रहा है ना, तो इसलिए। तो देखते हैं अब कैसा होता है। और मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ये जो ब्लॉग है इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मुझे ब्लॉग बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये सारा फेस है ना जो, ये सारा खिंच रहा है, तो जिससे ना ये देख रहे हो ना, ये दरार आ रही है यहाँ। तो ये मेरा जो मास्क है ये सूख चुका है, बस यहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना ये सूखा नहीं है, तो यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया था मास, वो जो दही और बेसन को थोड़ा ज़्यादा लगा लिया है, तो इसलिए ये अभी मेरा सूख नहीं पा रहा है। तो जैसे ही ये सूखेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी क्या इसका रिजल्ट क्या आया है। इसका रिजल्ट अच्छा है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिद्ध हाय करो, हेलो करो, नमस्ते करो सिद्ध, बाय। तो चलो फ्रेंड्स, इसे मैं धो के आपको दिखाती हूँ कि इसको दही और बेसन लगाने के बाद फेस पे जो क्या निखार आता है, मतलब जो भी है क्या इफ़ेक्ट है, मतलब जो भी रिजल्ट आता है वो आपको मैं दिखाती हूँ फेस वॉश करने के बाद। तो चलते हैं फेस वॉश करने। तो फ्रेंड्स, मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ। मैं आप देख सकते हैं दही बेसन थोड़ी सी हल्दी मिला के लगाइए आप लोग भी, तो देखिए आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, स्किन एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे शाइनिंग आ गई हो। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि, और ये क्या हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी लेनी है, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच दही, तो इन तीनों को मिक्स कर लेना है कि तीनों चीज़ें मिक्स हो जाए, कुछ अलग अलग ना दिखे। दही बेसन हल्दी सब मिक्स हो जाना चाहिए, और फिर उसके आप फेस वॉश करने के बाद आप उसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही वो सूख जाएगा तो आप अपने फेस वॉश कर सकती हैं। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो और आज मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आज थोड़े बादल हो रहे हैं।
पॉपआउट हो गया कि धूप निकल आई थी तो आप लोगों को ढंग से दिखाना हो तो इससे पहले लखनऊ कानपुर में भी बारिश बहुत तेज हुई है, तो अब वहाँ बारिश हुई है तो इसके बाद अब दिल्ली में भी बारिश हो सकती है क्योंकि दिल्ली का भी मौसम बदलता जा रहा है। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो ये ब्लॉग गाइस यहीं तक था। तो इस ब्लॉग में आज कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था, बस आज मैंने थोड़ा उपटन लगा के ट्राई करा था कि देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय बाय।